सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। दो थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13 से। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13 से। आइए देखते हैं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। जिसके लिए उसने तुम्हें तुम्हारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन में या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, तुम्हें क्या चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहता है कि हे भाइयों, हे प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे विषय में हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? कहता है इसलिए कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से ही तुम्हें चुन लिया है, आदि से ही चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। वचन कह रही है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। इस बात के लिए तुम्हें चुन लिया है कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बन जाओ और पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति कर लो। तुम परमेश्वर के सत्यता को ग्रहण कर लो, विश्वास कर लो और विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पाओ। वचन कह रही है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए चुना कि आत्मा के द्वारा पवित्र बन जाओ और पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करो और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। उद्धार के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। वचन कह रही है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। कहता है इस काम के लिए, जो उद्धार पाने के लिए उसने क्या किया है, तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। जो सुसमाचार तुम हमारे द्वारा सुन रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हें इस सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। उसने मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा चुन लिया है। इसलिए हे भाइयों तुम स्थिर रहो। और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा सीखी है कहता है, हे भाइयों, इसलिए तुम स्थिर रहो, तुम्हें चिंता की बातें नहीं है, तुम्हें अपने उद्धार के विषय में चिंता करने की बात नहीं है, ना ही मार्ग ढूंढने की जरूरत है, ना ही उसके बारे में सोचने की जरूरत। कहता है तुम स्थिर रहो, बस तुम्हें क्या करना है कि जो जो बातें तुमने चाहे वचन के द्वारा सुना, चाहे पत्री के द्वारा सीखी है, चाहे परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुमने जो बातें सीखी है, चाहे हमारे सुसमाचार के द्वारा जो पत्रियां दी गई है, चाहे इस पत्रियों के द्वारा तुमने बातें सीखी है, कहता है उन हर एक आज्ञा, हर एक बातों को तुम थामे रहो, यानी अपने हृदय में उसे बसाए रहो। कहता है जो बात तुमने यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा सुनी और सीखी है, और जो बातें हमारी पत्रियों के द्वारा तुमने सीखी और सुनी है, कहता है उन सारी बातों को अपने दिल में बसाए रखो, अपने हृदय में बसाए रखो, अपने अंदर उन्हें थामे रहो। अवश्य है कि वह परमेश्वर जो तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति यानी आदि से तुम्हें चुन लिया है, इसलिए चुना कि आत्मा के द्वारा पवित्र करके तुम्हें उद्धार दे। तो सच में अगर तुम परमेश्वर के वचन और हमारी पत्री की बातों को थामे रहोगे तो अवश्य है कि वह परमेश्वर तुम्हें उद्धार देगा, अवश्य है कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, अवश्य है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएँ तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि हे परमेश्वर, आज सुबह हर एक को तू अपने आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरे आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए, हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूँगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन अनुसार विनती प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियाँ बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसके हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो, नसों का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हो, जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियाँ वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, बिल्कुल बिल्कुल नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़ी फुंसियाँ नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए। जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसकी बुद्धि, उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जिसके शरीर के अंदर बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो शरीर के किसी विभाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज, खुजलियाँ नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। फीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। 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 ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर ना हो उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन ना हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे, हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वह जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहें। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों, हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहें। हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर ने अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाएं। हाँ मेरे प्रभु यह बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मान, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई